गर्भ संस्कार की पूरी बात को जानते हैं, ताकि शेफाली जी दिल्ली से और सिद्धि जी अलीगढ़ से आप दोनों इस बात को अच्छे से समझें और एक श्रेष्ठ गुण वाले संतान को जन्म देने की क्रिया में आगे बढ़ सके। तो आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो विषय है गर्भ संस्कार। शब्द हमें ये समझाता है कि गर्भ प्लस संस्कार, गर्भ में दिए जाने वाले संस्कारों को गर्भ संस्कार कहा जाता है। हम जिस देश में जन्म लिए हैं वो सबसे बड़ा हमारे भाग्य की बात है कि इस देश के अंदर आज तक जितना भी कुछ काम हुआ है, हजारों वर्ष पहले जो ग्रंथ लिखे गए वेद उपनिषद, तब से लेकर अभी तक के जो भी कार्य हुए हैं, ये सब चीजें बहुत उत्तम कक्षा से डिजाइन की गई है, बहुत अच्छे लेवल से सोची समझी गई है, और इसी का परिणाम है गर्भ संस्कार का ज्ञान भी। ये ज्ञान आज से हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों में लिखा था। इसके बाद चरक संहिता, भृगु संहिता, काश्यप संहिता, मनुस्मृति, इन सब ग्रंथों के अंदर इसका विवरण थोड़ा सरल भाषा में किया गया। और ये सारी चीजें, जितना भी हमारे धर्म का ज्ञान था, हमारी संस्कृति का ज्ञान था, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी आदर्श लाइफ कैसे जी जाए एक ह्यूमन द्वारा, इस दिशा में हमें जागरूक करने की कोशिश करता था। और इन्हीं के चलते 16 संस्कारों की रचना की गई। 16 संस्कार और कुछ भी नहीं है, बस एक इंसान जन्म लेता है तब से लेकर वो मृत्यु को पाता है, उसके दरमियान बीच में उसे कैसे एक श्रेष्ठ जीवन जिया जाए, उसके उत्सवों को 16 संस्कार कहा गया है। और 16 संस्कार के जो सबसे प्रथम तीन मुख्य संस्कार हैं, उन तीनों संस्कारों को हम गर्भ संस्कार के नाम से भी जानते हैं संयुक्त क्रम में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है गर्भाधान की प्रक्रिया से। जब हम कंसीव करने का प्लान करते हैं, सोचते हैं कि अब हमें गर्भ धारण करना है, बच्चा प्लान करना है, तभी से गर्भ संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और गर्भाधान के पहले भी, कंसीव करने के पूर्व भी कुछ चीजें सोचनी चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, जैसे कि हमें कैसा बच्चा चाहिए, उसमें कैसे संस्कार होने चाहिए, और जैसे गुण हमें बच्चे में चाहिए उस प्रकार के लाइफस्टाइल हमें उसी समय से जीना शुरू करना चाहिए। कुछ गुण हमारे में होते हैं, कुछ गुण हम में कम होते हैं, तो उन्हें हमें अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए, हमारे शरीर को और मन को शुद्ध करना चाहिए। तो इन सब प्रक्रियाओं द्वारा तैयार होने के बाद हमें गर्भाधान की प्रोसेस में जुड़ना चाहिए। गर्भाधान की प्रक्रिया सबसे पहला संस्कार है हमारे 16 संस्कारों में। मतलब कि हम पति और पत्नी साथ में मिलकर जब बच्चे का प्लानिंग करते हैं, समागम की प्रक्रिया में जुड़कर कंसीव करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को एक संस्कार के तौर पर हम जानते हैं। और इस संस्कार से की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, आहार की शुद्धि, समागम की प्रक्रिया के समय किस तरह के विचार रखने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा भोजन लेना चाहिए, ये सारी बातें इन संस्कार के अंदर काफी डिटेल में समझाई गई है। इस बात को हम और ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझ रहे क्योंकि इस प्रोसेस को आप पार कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड संस्कार आता है पुंसवन संस्कार। मतलब कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी माता को चाहिए कि वो खुश रहे, अपनी दिनचर्या को इस तरह से डिजाइन करे कि जिसकी वजह से बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का गठन किया जाए, सलामती की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से रहे, ताकि गर्भ को कोई नुकसान ना हो, माता को कोई नुकसान ना हो। तो ये सब करने के लिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी माता को खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, संस्कार युक्त वातावरण में रहना चाहिए, ये नीड हमारे दूसरा, हमारा जो दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, ये समझाता है। अब यहाँ पर एक सवाल मन में आता है कि क्या ये सारी बात, ये पॉजिटिव रहना, संस्कार युक्त वातावरण में रहना, ये जरूरी है क्या? मॉडर्न साइंस इस बात को मानता है, मॉडर्न साइंस इस बात को अग्री करता है। तो हाँ, मॉडर्न साइंस इस बात को मानता है, अग्री करता है, और उस बात को समझाने के लिए मॉडर्न साइंस ने जो रिसर्च किए हैं, उन रिसर्च के फैक्ट्स को अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर के लिए। मॉडर्न साइंस ने कुछ ही वर्षों पहले एक रिसर्च किया है जिसमें उन्होंने ये ढूंढा कि बच्चा जब माता के गर्भ से जन्म लेता है 9 महीने बाद, तब बच्चे का 80% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। 80% दिमाग डेवलप होने के बाद बच्चा पृथ्वी पर लेता है। ये
रिसर्च यहाँ तक भी आगे बढ़ा और ये उस रिसर्च ने बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है तब बच्चे के दिमाग के 100 बिलियन न्यूरॉन्स डेवलप हो चुके होते हैं, बन चुके होते हैं, और बाकी बची जिंदगी के अंदर मुश्किल से 20-25 बिलियन न्यूरॉन्स और बन पाते हैं। मतलब कि 80% जो न्यूरॉन्स बनने की जो प्रक्रिया है, घटना है, वो 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान ही बन जाती है। तो हमें इस बात को इस तरह से समझना है कि अगर बच्चे के इतनी मैसिव संख्या में न्यूरॉन्स अगर माता के गर्भ में बन रहे हैं तो ये सीधी सी बात है कि यही समय है कि बच्चे के अंदर अच्छे से अच्छी चीजों का गठन किया जाए। क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स बनते हैं, यहाँ पर एक और टेक्निकल पावरफुल घटना ये बनती है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होकर सिनेप्स नाम का एक अवयव बनाता है, और ये जो सिनेप्स है वो इंफॉर्मेशन स्टोरिंग डिवाइस है। ऐसा ब्रेन साइंस कहता है कि जितने न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं दिमाग के अंदर, उतना इंसान की सफल होने की और सुखी होने की क्षमता बढ़ जाती है, सक्सेस पाने की क्षमता बढ़ जाती है। जितना ब्रेन एक्टिव होता है उतना ज्यादा वो काम कर पाता है। अब अगर 100 बिलियन न्यूरॉन्स 9 महीने में बनते हैं तो इसका परिणाम ये आता है कि हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन बनते हैं। अगर हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन 24 घंटे बनते रहेंगे थ्रू आउट द 9 महीने की जर्नी, तब जाकर पूरे 9 महीने में 100 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स बन पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि हर एक प्रेग्नेंट लेडी का प्रेगनेंसी के दौरान जागरूक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये जो न्यूरॉन्स बन रहे हैं, इन न्यूरॉन्स को कनेक्ट करना है पावरफुल इंफॉर्मेशन के साथ, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन के साथ। क्योंकि जितना पावरफुल इंफॉर्मेशन कनेक्ट किया जाएगा उतना बच्चे के ब्रेन का पावरफुल डेवलपमेंट होगा। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक, सबसे जीनियस जिन्हें कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी अपनी पूरी लाइफ के दौरान केवल 3 या 5%, अलग अलग मान्यता है, कोई 3% कहता है, कोई 5% कहता है, हम हायर साइड पकड़ कर चलते हैं, तो 5% ब्रेन का इस्तेमाल किया था। अब सोचिए सिर्फ 9 महीने में 80% ब्रेन बन जाता है। अगर 80% ब्रेन जब बन रहा है तब माता जागरूक रहे और उसे पावरफुल कनेक्ट करे, तो पॉसिबल है कि अगला जीनियस आप जन्म दे सकते हैं। तो इतना पावरफुल है ये गर्भ संस्कार का साइंस। तो क्या है ये साइंस, किस तरह से इसे फॉलो किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि जिसकी वजह से मैक्सिमम न्यूरॉन्स कनेक्ट हो और मैक्सिमम बच्चे का पावरफुल डेवलपमेंट हम मिलकर कर सके। तो मेडिकल साइंस का एक और रिसर्च हमें यह भी समझाता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी गर्भस्थ शिशु सुन सकता है, समझ सकता है, इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, पर बेबी के पास कोई फिल्टरिंग डिवाइस नहीं है, तो बच्चा सही गलत का भेद नहीं जानता। बच्चा माता जो भी सोचती समझती है सुनती है, पिता जो बात करते हैं उस दरमियान, या घर में जो वातावरण होता है, वो सारी बातें ओनली स्टोर करता है। सही है या गलत ऐसा भेद नहीं जानता, हर एक बात को सही समझकर ही वो स्टोर कर लेता है। तो इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने गर्भ संस्कार के विज्ञान को हमारे रिचुअल्स में कन्वर्ट कर दिया, कुछ प्रक्रियाओं में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो क्रियाएं हम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी करते हैं तो गर्भ संस्कार का पालन श्रेष्ठ तरीके से होता है और बच्चे के पास कम से कम नेगेटिविटी जाती है। तो अब हम उन रिचुअल्स को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वो रिचुअल्स। वो रिचुअल्स इतने पावरफुल हैं कि आज भी वो रिचुअल्स पाले जाते हैं हमारे बुजुर्गों द्वारा, बड़ों द्वारा हमें कहे जाते हैं। बस फर्क इतना है कि हम उनका साइंटिफिक तथ्य नहीं जानते, उनकी असर को जानते नहीं, इसलिए हमें रिचुअल्स को, उन मान्यताओं को हम अंधविश्वास मान लेते हैं या बर्डन समझ लेते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीव करते ही आपको कहा जाता है कि आपको अब थ्रू आउट द प्रेगनेंसी खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, जरूरत के बिगर ट्रैवलिंग अवॉइड करना है, आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, रामायण, भगवत गीता, हरिवंश पुराण, या आप जिन भी भगवान में मानते हैं उनके धर्म ग्रंथ पढ़ने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आपको ये कहा जाता है कि कहीं कोई देहांत हो गया है, कोई एक्सपायर हो गया है, तो ऐसी जगहों पर गर्भवती स्त्री को नहीं जाना चाहिए। आपको कमरे के अंदर बाल गोपाल का फोटो या अच्छे अच्छे महान पुरुषों के फोटोग्राफ या छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो दिखते हैं उनके फोटोग्राफ्स लगाने की सलाह दी जाती है। तो ये जितनी भी क्रियाएं करवाई जाती है ये सारी क्रियाएं गर्भ संस्कार का पालन है।
अब आप इन क्रियाओं को 80% ब्रेन डेवलपमेंट और बच्चा सुनता है, समझता है, अनुभव करता है, इन सब बातों के संग कनेक्ट करिए। एक दो बातें और भी मैं आपको याद दिलवाता हूँ कि जो हमें करवाई जाती है, कि प्रेगनेंसी के दौरान स्वेटर बुनना या कारीगरी की कुछ छोटी मोटी चीजें करना, इन सब चीजों को करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बने वहां तक टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब चीजों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, फालतू किताबें, मैगजीन्स नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये सारी चीजें कैसे कनेक्ट होती है? तो देखिए, पहली बात हम पकड़ते हैं कि अच्छा फोटो लगाए, महान पुरुषों के जीवन चरित्र देखे, पढ़े, अच्छी किताबें पढ़े, तो ये सारी चीजें क्यों? तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर आप अच्छे फोटो देखते हैं, तो अच्छे फोटो देखेंगे तो अच्छा मन रहेगा, प्रफुल्लित मन रहेगा, अच्छे विचार आएंगे, और जैसे फोटो देखेंगे, जैसे विचार करेंगे, वही चीजें बच्चा एक्सेप्ट करेगा। अगर हम किसी देहांत वाली जगह पर जाते हैं, कहीं कोई एक्सपायर हो गया है, कोई मृत्यु किसी की हुई है, और ऐसी घटना पर हम पहुंचते हैं, तो स्त्री का स्वभाव साहजिक तौर पर इमोशनल है। किसी की जगह किसी मृत्यु को देखते हैं तो लोग रोते हैं वहां पर, और ऐसा ही क्रुदंत वाला रोने वाला माहौल होता है तो स्त्री को भी स्वभाव के अनुसार रोना आता है, और वो दुख की अनुभूति बच्चा करता है, और इस वजह से बच्चे को भी नुकसान होता है दुख की भावना की वजह से। तो और ये असर स्त्री जब कहीं जाकर आती है, ऐसी जगह देखकर आती है, तो उसकी इम्पैक्ट उसके मन में 5-10 दिन 15 दिन तक टिकी रहती है, तो बच्चे को भी वो उसकी खराब असर 15 दिन तक रहती है, तो इसलिए वहां पर उनको रोका जाता है। अच्छी किताबें पढ़ने का कहा जाता है, क्योंकि आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छी किताबों का ज्ञान बच्चे को भी मिलेगा। ट्रैवलिंग अवॉइड करने का कहा जाता है, क्योंकि ट्रैवलिंग अवॉइड इसलिए करना है कि ट्रैवलिंग की वजह से आपको जो परेशानियां हो सकती है, बच्चे को नुकसान हो सकता है, उससे टालना चाहते हैं। तो इस तरह से हर एक घटनाएं कहीं ना कहीं गर्भ संस्कार के पालन को ही प्रोत्साहित करती है, बच्चे की और माँ की सलामती और उनका एक श्रेष्ठ भविष्य निर्माण हो, उस तरह से इनको किया जाता है। तो अब आइए हम इन सब घटनाओं को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, मॉडर्न साइंस के साथ मॉडर्न जमाने के हिसाब से समझते हैं कि आज के समय के अनुसार माताओं को क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसी प्रवृत्तियां करनी चाहिए, कैसी एक्टिविटीज करनी चाहिए कि जिसके द्वारा हम बच्चे के अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का गठन कर सके। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि माता का प्रेगनेंसी का जो जर्नी है वो भी आनंद पूर्वक प्रसार हो, माता भी उस चीज को एंजॉय कर सके। तो क्या करना चाहिए? तो हमें चाहिए कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हम पर्टिकुलर कुछ प्रकार की प्रक्रियाएं करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें कि जिनके द्वारा हम बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन कर सके। तो क्या है ये एक्टिविटीज? तो सबसे पहली एक्टिविटी है प्रार्थना। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी माता को, पिता को, दोनों को साथ में मिलकर भगवान के चरणों में, जिन भी भगवान को हम मानते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए गदगद भाव से, ऐसी भावना के साथ कि हे भगवान, आप हमारे गर्भ में पधारिए और हमारे बच्चे के अंदर आप ही के संस्कारों के साथ आप जन्म लीजिए। साथ ही साथ ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप हमारी गर्भ की रक्षा करिए, हमें श्रेष्ठ संस्कारों का प्रदान कीजिए, थ्रू आउट प्रेगनेंसी किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन के बिगर हम आराम से नॉर्मल डिलीवरी के साथ बच्चे को जन्म दे सके। अभी कोरोना जैसी जो विचित्र परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति में तो प्रार्थना का प्रमाण और बढ़ा देना चाहिए, और प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, ये सारी जो भी परेशानियां चल रही है, ये दुनिया से भी बाहर जाए, और एटलीस्ट हमारे परिवार से, हमारी सोसाइटी से, हमारे समाज से तो किसी को भी इस परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा संस्कृत भाषा के श्लोक, साखी, छंद, दुहे जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे गए हैं तरह तरह के, उन सब का पठन करना चाहिए। ये करने के अनेक फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। मॉडर्न साइंस ने ये प्रूव किया है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान संस्कृत के शब्द सुने जाए, ओम चैंटिंग वगैरह किया जाए, तो बच्चे की भाषा सीखने की जो कैपेसिटी है वो पावरफुल बनती है। इसके अलावा बच्चे की प्रोनाउंसिएशन कैपेबिलिटी पावरफुल बनती है, और जैसे कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो अगर संस्कृत भाषा का अगर थोड़ा मुहावरा मिल जाता है तो अन्य भाषाएं सीखना बहुत सरल बन जाता है। तो
इसलिए ये सब चीजें करनी चाहिए। इसके अलावा संस्कृत के श्लोक या छंद दोहे वो इतने पावरफुल है, इनके द्वारा जो ज्ञान हमें अर्जित होता है उनमें एक एक दो दो कड़ियों में जीवन के बहुत गहरे मूल्य छुपे होते हैं, अच्छी सीख होती है। तो अगर ये सब चीजें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कंठस्थ कर ली जाए, बच्चे को भी सिखाने का प्रयत्न किया जाए, तो बच्चा भी जब जन्म लेगा तब उसके जीवन में भी ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होगी उसको, तो ये करना चाहिए। इसके अलावा योग, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह क्रियाएं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब क्रियाएं करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। इवन प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती है, उल्टी होना, उबके आना, थकान महसूस होना, मूड स्विंग होना, खाने पीने में अरुचि आना, तो इन सब चीजों में भी मात्रा में इन सब चीजों से फायदा होता है। तो प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, योग करना, वॉकिंग नियमित तौर पर करना चाहिए, ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के दरमियान प्रेग्नेंट मदर्स को करनी चाहिए। आहार की शुद्धि का भी बहुत महत्व है, हाइजीनिक आहार लेना या पौष्टिक आहार लेना, इन सब बातों के लिए हम लोग सब बहुत जागरूक होते हैं आज के समय में, तो हम इन सब बातों पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे अभी। पर इसके अलावा एक ऐसी बात है जिस पर हम इसकी जानकारी नहीं रखते होते या जानते होते तो भी इग्नोर करते हैं, तो उस बात को आज हम समझते हैं। खाना बनाने वाले का जो विचार होता है खाना बनाते वक्त, उसका भी असर भोजन पर होता है, और वो विचारों की असर भोजन करने वालों पर भी पड़ती है। इसलिए जब भी हम भोजन पकाएं उस समय भगवान का भजन करें, पॉजिटिव विचार करें, अच्छा संगीत सुने, ये बहुत जरूरी है, ताकि भोजन द्वारा पॉजिटिव विचार हमारे अंदर जाए। और इसके लिए हम एक और चीज कर सकते हैं कि खाना बनाने के बाद उसे भगवान को परोसा जाए, और भगवान को परोसा हुआ प्रसाद बना हुआ खाना हम अर्जित करें, ताकि भगवान को चढ़ने से एक पवित्र भावना उसमें मिक्स होती है, भोजन सात्विक बन जाता है, पवित्र बन जाता है, और ऐसा भोजन करने से हमारे विचारों की भी शुद्धि होती है। तो आहार की बात बारे में हम ये चीज खास ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान शास्त्रीय संगीत सुनना चाहिए, सुगम संगीत सुनना चाहिए, तरह तरह के इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनने चाहिए, अलग अलग प्रकार के राग सुनने चाहिए, तो इनसे भी बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत अच्छी असर होती है। इसके अलावा कहानी और महान पुरुष के जीवन चरित्रों के प्रेरक किस्से सुनने चाहिए, इनके द्वारा भी अनेक फायदे होते हैं। एक तो इन सब चीजों के अंदर ढेर सारे मोरल छुपे होते हैं, अच्छी अच्छी सीख होती है, कहानी या किस्सों द्वारा जो सीख मिलती है ना वो बहुत आसानी से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो आसानी से हमारे जिंदगी भर में याद रहने वाली बन जाती है, तो ये माध्यम बहुत अच्छा है अच्छे संस्कार देने के लिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर रोज अच्छी कहानियां सुनी जाए, अच्छी एक्टिविटीज की जाए, तो उसका बच्चे के गठन पर बहुत अच्छा असर होता है। इसके अलावा ये कहानियों के द्वारा हमारी विजुअलाइजेशन कैपेसिटी, हमारी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है, क्योंकि हम जब कहानी सुनते हैं तब हम अपने मन से, शरीर यही होता है पर हमारे मन से हम उस कहानी के अंदर घुस जाते हैं, हम उस कहानी को जीते हैं, उस कहानी को महसूस करते हैं, तो इन सब चीजों से भी बच्चों में बहुत अच्छे परिवर्तन आते हैं, बच्चों की विचारों की क्षमता बहुत मजबूत होती है, तो ये क्रिया करनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे की कौशल्य बढ़ाने के लिए, बच्चे का राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन डेवलप करने के लिए कुछ प्रवृत्तियां करनी चाहिए। राइट ब्रेन मतलब कि कला कौशल्य का प्रदान बढ़ाने के लिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी माता को अच्छे अच्छे चित्र बनाने चाहिए, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करनी चाहिए, बेस्ट चीजों में से कुछ बेस्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, बजाना चाहिए, गाना चाहिए। तो ऐसी जितनी भी स्किल्स हैं दुनिया में उन सब स्किल्स के रिलेटेड जो जो चीजें शक्य है करनी वो सब पॉसिबल है, वो चीजें करनी चाहिए। आपको शायद याद आ रहा होगा अभी वो बात के जो हमने कही थी कि हमारे रिचुअल्स में ये परंपरा बन गई थी कि प्रेग्नेंट लेडीज को स्वेटर बुनना चाहिए, तो अगेन ये भी एक आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी है कि जिसके द्वारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और वो कॉन्सेंट्रेशन सीधा बेबी के दिमाग में स्टोर होता है, बच्चा भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पैदा होता है। इसके अलावा लेफ्ट ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी हम कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, सुडोकू सोल्व करना, पजल्स सॉल्व करना, एरिथमेटिक और लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग करना, तो ये सारी क्रियाएं से बच्चे के दिमाग का, लेफ्ट ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, ताकि बच्चा मैथमेटिकल रीजनिंग में, साइंस की एक्टिविटीज में पावरफुल बने। इसके अलावा अच्छे अच्छे वीडियोज देखना, जनरल नॉलेज के वीडियो, कॉमेडी वीडियोज, हंसना भी जरूरी है, मनोरंजन वाले वीडियोस, हिस्ट्री
साइंस फिक्शन इस टाइप के वीडियोस देखने चाहिए, और इसके अलावा बच्चे से बातें करनी चाहिए, जिसे हम गर्भ संवाद के नाम से जानते हैं। बच्चा अंधेरे में है, 9 महीने बिल्कुल अंधेरा है, अकेला है, कोई उससे बातें नहीं कर रहा, तो एक अलग प्रकार की एंजाइटी फील कर सकता है बच्चा। पर अगर इस दौरान हम बच्चे से बातें करें, स्पेशली माता पिता और घर के अन्य सदस्य, पेट पर हाथ रखा जाए और बच्चे से इस तरह से बातें की जाए कि बच्चा आपकी बातें सुन रहा है, बच्चा आपकी बातें महसूस कर रहा है, बच्चे को ये फीलिंग मिले कि मेरे माँ बाप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो इससे कितने फायदे होंगे कि एक तो बच्चा आपकी बातें सुनेगा, आपकी आवाज को रिकग्नाइज करेगा। आप बातों के द्वारा बच्चे से काफी अच्छे संस्कारों की बातें कर सकते हैं, तो उनसे भी बच्चे के अंदर एक पावरफुल उसका जो थिंकिंग पैटर्न है वो डेवलप होता है, उसके अंदर विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ये सारी चीजें करने से बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिलते हैं। ये सारी क्रियाएं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट मदर्स को रोज करनी चाहिए। ये सारी चीजें भोजन की तरह इम्पोर्टेंट है। जैसे हम रोज भोजन लेते हैं तभी हमें एक पावरफुल शरीर मिल सकता है, हम अगर सप्ताह में एक बार भोजन लेंगे तो क्या हालत होगी। उसी तरह प्रेगनेंसी के दौरान भी हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनते हैं, तो उनको भी कनेक्शन के लिए रोज कुछ एक्टिविटीज देनी है। अब परेशानी क्या आती है कि ये सारी एक्टिविटीज अगर प्रेग्नेंट लेडी जान लेती है तो उनके मन में सबसे पहले एक ही थॉट आता है कि ये चीजें मुझे करनी है, मैं मेरे बच्चे के लिए बेहतरीन एक्टिविटीज करना चाहती हूँ। अब मैं आपसे भी ये सवाल करता हूँ कि आपके मन में ये विचार आ रहा है कि क्या आपको ये सब चीजें करनी चाहिए अपने प्रेगनेंसी में। शेफाली जी क्या विचार है आपका, आपको ये सारी बातें सुनने के बाद क्या लगा कि ये सब करना चाहिए? शेफाली जी आपका माइक हमने ऑन कर दिया है, आप अपने तरफ से भी माइक को एक बार ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको सुन पाए। सिद्धि जी आपका माइक ऑन है, आप तब तक आंसर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप चाहेंगे कि आप गर्भ संस्कार का रोज पालन करें? यस, आपने से कुछ के आंसर हमें चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं जहां पर यस यस लिखा है। यस एग्जैक्टली, आप सभी चाहते हैं कि हम सब गर्भ संस्कार का पालन इतना परफेक्शन के साथ करें कि बच्चे के अंदर बेस्ट में बेस्ट संस्कारों का गठन किया जाए। पर अब दिक्कत कहाँ आती है, गर्भ संस्कार का पालन डेली बेसिस में करने में क्या परेशानी आती है, अब हम उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि टाइम नहीं मिलता। प्रेगनेंसी के दौरान हम बिल्कुल फ्री तो है नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान हमें कॉन्स्टेंटली हमारे जो रूटीन एक्टिविटीज हैं, घर के काम, वो भी सब निपटाने हैं। अगर हम वर्किंग है तो हमें वो भी टेंशन होता है, वो भी सारी जिम्मेदारियां निपटानी होती है। तो समय निकालना ये सब एक्टिविटीज करने के लिए, ये थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। इसके अलावा दूसरी परेशानी होती है कि काफी लोगों को किताबें पढ़ने का शौक नहीं होता, तो किताबें पढ़नी ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, और ये सारी चीजें किताबों में अवेलेबल है, काफी सारा ज्ञान, तो किताबें पढ़ना एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। इसके अलावा अगर ये सारी चीजें करनी है तो हम घर पे कैसे करें, ऐसा एक डाउट होता है। तो अगर कहीं कोई क्लासेस अवेलेबल है, कहीं पर लेक्चर्स लिए जाते हैं इस बातों में, या कोई एक्टिविटी सेंटर्स है जहाँ पर ये सब करवाया जाता है, तो वहां पर जाने का भी लोग सोचते हैं, पर ये सब चीजें बहुत खर्च वाली होती है, यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा होती है, 10-12-15-15 हजार तक की फीस, 20-20 हजार तक की फीस ली जाती है इन सब क्लासेस में, तो वो खर्च वाली चीज है। और इसके अलावा भी वहां जाने से भी एक 100% परफेक्शन वाला काम नहीं हो पाता। उसका रीजन ये है कि इन सब क्लासेस में क्या होता है कि कॉमन कोर्स पढ़ाया जाता है, अगर 5 लेडीज एक साथ सुन रही है तो 5ों को एक जैसी बातें समझाई जा रही है, पर प्रेगनेंसी में आपका डेवलपमेंट आपके प्रेगनेंसी के मंथ के अकॉर्डिंग होता है। हर पर्टिकुलर मंथ में अलग अलग चीजों का डेवलपमेंट होता है, अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं, तो उसी हिसाब से काम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सेम एक्टिविटी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी करेंगे तो चल जाएगा, तो जो मंथ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, वो क्लासेस में पॉसिबल नहीं है। और क्लासेस सप्ताह में 7 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार होगा, तो कंटिन्यूएशन नहीं पॉसिबल हो पाएगा, आप रोज नहीं कर पाओगे, और रोज नहीं कर पाओगे तो रिजल्ट अधूरा मिलेगा। इसके अलावा 7वें महीने के बाद
पेट जब बहुत अच्छी कंडीशन में बढ़ जाता है उसके बाद ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट अवॉइड हो जाता है, या फिर हमारे मायके जाने की भी डिलीवरी के लिए प्रोसीजर होती है काफी परिवारों में, तो उस समय भी अगर क्लासेस छूट जाते हैं तो गर्भ संस्कार का पालन नहीं हो पाता उस समय भी। इसके अलावा ये सब चीजों के लिए मटेरियल जो लाना है, किताबें खरीदना, सारी चीजें इकट्ठी करना, ये सब भी बहुत खर्च वाली चीज है। हमने एक बेसिक कैलकुलेशन लगाया था तब पता चला कि करीबन 20,000 के आसपास खर्च हो जाता है इन सब क्रियाओं में। और इस सब चीजों को कर भी लें, अगर खर्चा भी कर लें, किताबें भी पढ़ने की हिम्मत जुटा लें, क्लास वगैरह में भी ज्वाइन जाने की कोशिश करें, पर फिर भी समय निकाल लें, फिर भी एक परेशानी तो है ही कि रोज मोटिवेशन नहीं मिलता ये सब करने के लिए। आज हम जब इसका महत्व समझ रहे हैं तो आज तो मैं बहुत मोटिवेशन है, अभी 10-12 दिन तक हम बहुत अच्छी एक्टिविटी करने के लिए भी तैयार हैं, पर ये काम हमें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी करना है। और दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा मोटिवेटर, महान मोटिवेटर भी आकर हमें कोई भी मोटिवेशन दे ना, तो ये हमने महसूस किया है काफी बार कि कोई भी मोटिवेशन 2-4-5 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता। तो ये जितनी भी परेशानियां हैं, इन सब परेशानियों का क्या समाधान हो सकता है? तो हमारी टीम पिछले 12 वर्षों से इस सब्जेक्ट पर काम कर रही थी, तो हमने इन सारी परेशानियों का एक बहुत सिंपल सा समाधान निकाला है, एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया है जो गर्भ संस्कार का घर बैठे दैनिक पालन करवाता विश्व का एकमात्र मोबाइल एप्लीकेशन कोर्स है। इस एप्लीकेशन में आपको आपके प्रेगनेंसी के डे के अनुसार और आपको बच्चे में कैसे गुण चाहिए, उन गुणों के सिलेक्शन के आधार पर आपका कस्टमाइज कोर्स तैयार कर दिया जाता है, ताकि आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी घर बैठे, मोबाइल एप्लीकेशन है इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे सारा कोर्स आसानी से कर सकें। और ये सारा कोर्स का मटेरियल 70+ एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाया हुआ है, तो एक्सपर्ट्स का सजेशन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप घर बैठे कोर्स कर पा रहे हैं। 12 अलग अलग प्रवृत्तियों में आपको ये सारी एक्टिविटीज दी जाती है, मटेरियल के साथ दी जाती है। तो अब आपको आज के दिन में कौन सी कहानी पढ़नी है, एप्लीकेशन खोली, एप्लीकेशन में कहानी लिखी हुई है या वीडियो दिया हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको सत्संग के लिए कुछ एक्टिविटी करनी है, आपको भगवद गीता पढ़ना है, रामायण पढ़नी है, तो आपको रोज एक अध्याय का सारांश एक ही पेज में बनाकर दिया गया है, रोज आपको एक एक अध्याय मिलता जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आपको कौन सा, आपको ब्रेन एक्टिविटी करनी है, आपको तैयार पजल दे दी जाएगी। आपको कुछ ऐसा एक्टिविटी करना है जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट इन्वॉल्व है, तो आपको वो एक्टिविटी घर बैठे मिल जाएगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर 12 अलग अलग प्रवृत्तियों में ये एप्लीकेशन आपको घर बैठे एक्टिविटी देती है। पूरा कस्टमाइज कोर्स है, तो अब आपको कहीं कोई प्रोफेशनल्स की या कोई एक्सपर्ट्स के ढूंढने जाने की चिंता नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट मिलेगा सारा प्रोफेशनल्स ने, एक्सपर्ट्स ने तैयार कर दिया हुआ है। इसके अलावा खर्च ज्यादा नहीं है, ये पूरी एप्लीकेशन का 9 महीने का कोर्स, वैसे 7,000 रुपीज इसकी फीस होती है, पर हमारी संस्था अलग अलग लोगों के सौजन्य से मिलकर ये एप्लीकेशन का कोर्स मात्र 1400 रुपए में देती है। पूरी प्रेगनेंसी के लिए सिर्फ 1400 रुपीज का बहुत नॉमिनल अमाउंट है, वो आपको एक ही बार पे करना है। और आप जिस भी दिन एप्लीकेशन का कोर्स शुरू करेंगे तब से लेकर आपके डिलीवरी के दिन तक रोज घर बैठे आपको ये 12 प्रवृत्तियां मिल जाएगी, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके कस्टमाइज कोर्स में। हर एक, सबको एक जैसी एक्टिविटी नहीं मिलती है, सबको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्टिविटी हम पहुंचाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई जनरल कोर्स तैयार है, जनरल कोई भी किताब उठा के लाए और पढ़ लिया, नहीं, आपके लिए जो जरूरी है वही चीज आपको पहुंचाई जाती है इस एप्लीकेशन के जरिए। तो सिर्फ 1400 रुपए में ये कोर्स है, और ये एप्लीकेशन का कोर्स इतना स्मार्टली डिजाइन किया गया है कि अगर आपने कोर्स तो ले लिया पर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप एक्टिविटी करने में आलस कर रहे हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो एप्लीकेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला हुआ है हमने। एप्लीकेशन क्या करेगा कि एग्जाम्पल के तौर पे दिन के 12 बजे हैं और आपने एक भी एक्टिविटी नहीं की, तो एप्लीकेशन आपको 12 बजे एक नोटिफिकेशन भेजेगा, एक मैसेज डालेगा, और वो मैसेज कुछ इस तरह का हो सकता है कि मम्मी आज तो तू बहुत बिजी है, थोड़ा वक्त मेरे लिए तो निकाल, एक स्टोरी तो पढ़ ले। अब आपका जब बेबी आपको ऐसा कुछ मैसेज देगा तो दुनिया की कौन सी माता होगी जो उस समय सारे काम छोड़कर, या अगर तबीयत खराब है तो भी उस तबीयत के खराबी की परवाह भी छोड़ देगी और अपने आप को स्टोरी पढ़ने से रोक पाएगी? कोई भी माता ऐसा नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी गर्भ संस्कार का पालन करें, इतनी हर एक बात को ध्यान रखते हुए इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है। इतना गहराई से इसे सोचा गया है कि एप्लीकेशन में आपको क्या चीजें पसंद है,
वैसी ही एक्टिविटी हम आपको दें, ऐसा प्राविधान नहीं रखा है। आपको शायद ताज्जुब भी हो कि ऐसा क्यों किया है। तो ऐसा करने का यह रीजन है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको ड्रॉइंग करना पसंद है पर आपको कलर भरना नहीं पसंद है ड्रॉइंग के अंदर, तो आप पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ड्रॉइंग में कलर भरने का काम कभी नहीं करेंगे। पर एप्लीकेशन में हम आपको अगर वो काम की सूचना देते हैं करने के लिए, तो अगर आप वो काम करते हैं तो वो काम बेबी के लिए इम्पोर्टेंट है। समझिएगा, जो चीज आपको नहीं पसंद या आपको नहीं आती है करनी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो चीज हम बेबी को भी ना सिखाएं। बेबी को सिखाना तो जरूरी है। तो इसलिए आपको नहीं आता है, इस बात से बेबी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अगर आप जैसा आता है वैसा अटेम्प्ट करते हैं कलर भरने का, तो बेबी के लिए वो कार्य सरल बन जाता है। उसके दिमाग में वो फुटप्रिंट्स क्रिएट होती है कि हाँ, कलर भरने की एक्टिविटी करनी चाहिए, मम्मी ने की थी, तो इस वजह से उसके लिए वो काम आसान हो जाता है। और आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि मुझे तो कलर भरना अच्छा नहीं आता है, मैं तो बिगाड़ दूंगी चित्र। बिगाड़ दीजिए, बिगाड़ना ही है। आप बिगाड़ने के लिए भी अटेम्प्ट करेंगे ना, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कर्म इम्पोर्टेंट है, हमें कर्म की ही चिंता करनी है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल की चिंता भगवान करेंगे, पर अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे, हम चित्र में कलर भरने का काम ही नहीं करेंगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, क्योंकि हमें आता नहीं है या हमें रुचि नहीं है, तो बच्चे में नहीं जाएगा। तो इतनी गहराई से सोचकर इस एप्लीकेशन का कोर्स डिजाइन किया गया है। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था जिसने ये कोर्स डिजाइन किया, ये संस्था पिछले 12 वर्षों से सब्जेक्ट पर काम कर रही है, और पिछले 12 वर्षों से लाखों स्त्रियों को गर्भ संस्कार के बारे में जागरूक करने से, उनके साथ सलाह मशवरा करने से, उनके प्रश्नों को सुनने से, समझने से जो नतीजा निकला है, जो निचोड़ निकला है, उस निचोड़ का परिणाम है ये एप्लीकेशन। आज लाखों महिलाएं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर चुकी है, हजारों महिलाएं इस एप्लीकेशन का कोर्स कर रही है। ये पूरी एप्लीकेशन गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में अवेलेबल है। एंड्रॉइड फोन और iOS फोन दोनों में इसका कोर्स अवेलेबल है। और आप बहुत खुश होंगे इस बात को जानकर कि जितनी भी माताओं की डिलीवरीज हुई है, ये सभी माताएं फूली नहीं समा रही इस कोर्स की वजह से, और इस कोर्स के क्रिएशन की वजह से हमारा धन्यवाद करते हुए भी नहीं थकती। आप हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जहाँ पर ये एप्लीकेशन लोड किया हुआ है, इन सभी जगहों पर इन माताओं के रिव्यूज सुन सकती हैं। जितनी भी माताओं ने डिलीवरी फेस की है इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल के बाद, 73% से ज्यादा माताओं ने 3, 3.5, 4 किलो के बेबी को जन्म दिया है। वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपनी प्रेगनेंसी को इतना एंजॉय करती थी कि काफी माताओं ने तो हमें ये कमेंट दी है कि इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल की वजह से हमने पेनलेस डिलीवरी फेस की। अब आप सोचिए, पेनलेस डिलीवरी पॉसिबल है? हम खुद मानते हैं कि इम्पॉसिबल है, पर उस समय उन माताओं के मन में इतना पावरफुल स्टेट क्रिएट होगा हुआ होगा कि दर्द तो 100% हुआ होगा, पर उन्होंने दर्द से ज्यादा अपने बच्चे के संग अपनी प्रेगनेंसी के एंजॉयमेंट को प्राधान्य दिया होगा, और उस इतने पावरफुल मेंटल स्टेट में पहुंच गए होंगे कि दर्द की अनुभूति को उन्होंने इग्नोर तक कर दिया। तो इस तरह से बहुत पावरफुल रिजल्ट इस एप्लीकेशन के द्वारा, इस कोर्स के द्वारा आ रहे हैं। हमारी संस्था का एक बहुत स्पष्ट उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि गर्भ संस्कार के ज्ञान के द्वारा एक श्रेष्ठ, सलामत और संस्कारी समाज की रचना हो। इसलिए हम बहुत मिनिमम कॉस्ट के अंदर ये कोर्स हजारों लाखों महिलाओं तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इसका बहुत नॉमिनल कॉस्ट रखा गया है। इसके अलावा भी हमारी दो एप्लीकेशंस हैं, प्रेगनेंसी गुरु एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के अंदर गर्भ संस्कार की तमाम जानकारी और प्रेगनेंसी प्लानर्स का जो मटेरियल है, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए, वो सब कुछ उस एप्लीकेशन में दिया हुआ है। वो एप्लीकेशन फ्री ऑफ चार्ज है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। एप्लीकेशन का नाम है प्रेगनेंसी गुरु। और हमारी दूसरी एप्लीकेशन है पेरेंटिंग गुरु। बच्चा जन्म ले ले उसके बाद 12 वर्ष का हो, तब तक 0 से 12 वर्ष के बच्चों के माता पिता उन्हें कैसे ध्यान रखें, उनकी कैसे परवरिश करें, बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, माता पिता को क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे उन्हें सिखाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें एग्जाम्पल्स के द्वारा मटेरियल के साथ पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन में दी हुई है। अगेन, इस एप्लीकेशन का भी कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो हमने कुल मिलाकर टोटल 3 एप्लीकेशन प्रोवाइड की है, पेरेंटिंग गुरु और प्रेगनेंसी गुरु, दोनों फ्री एप्लीकेशन है, और गर्भ संस्कार गुरु, जो गर्भ संस्कार का पालन करवाता दुनिया का एकमात्र कोर्स है कि जो आपके प्रेगनेंसी के डे और आपकी इच्छित गुणों के आधार पर पूरा प्रेगनेंसी का कोर्स आपको करवाता है, और वो भी बहुत नॉमिनल कॉस्ट, ओनली 1400 रुपीज। इस तरह से ये पूरी सेवा हमारी संस्था पिछले 12 वर्षों से पूरे समाज के लिए कर रही है।
आप भी हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप नंबर जो कि 9727200601 है, 9727200601 है, इस नंबर पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन सभी जगहों पर एक गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन को छोड़कर बाकी सभी जगह पर संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज इंफॉर्मेशन दी जाती है, एक रुपया भी किसी से चार्ज नहीं लिया जाता। तो यही बात आप हजारों महिलाओं तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले सके और एक श्रेष्ठ समाज की रचना कर सके। तो ये थी हमारी तरफ से सारी बात। अब आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम सभी के माइक अब ऑन कर देते हैं। सिद्धि जी, शैफाली जी, आपको अभी तक की पूरी बात कैसी लगी, आपको कैसा लगा हमारा प्रेजेंटेशन? वेरी गुड सर। सारी बात आपको अच्छे